बिलासपुर जिले के झंडुता क्षेत्र में एक पालतू गाय को विस्फोटक पदार्थ खिलाकर घायल करने के मामले में गाय मालिक की शिकायत पर पड़ोसी व्यक्ति नंदलाल को जहां 6 जून की शाम को स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, तो वही उसे बिलासपुर जिला न्यायालय की सिविल जज निकिता ताहिम के समक्ष पेश किया गया, जहां उन्होंने आरोपी व्यक्ति के वकील की दलील सुनने के बाद 9 जून तक के लिए 3 दिनों के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। गौरतलब है कि 26 मई को झंडुता थाने में पालतू गाय को विस्फोटक पदार्थ खिलाकर घायल करने की एवज में पशु मालिक गुरुदयाल सिंह की शिकायत पर पड़ोसी नंदलाल के खिलाफ IPC की विभिन्न धाराओं सहित पशु क्रूरता एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया था। इस बात की जानकारी देते हुए बिलासपुर DSP संजय शर्मा ने बताया कि आरोपी व्यक्ति को जिला न्यायालय की सिविल जज द्वारा 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है, जिससे सख्ती के साथ पूछताछ की जाएगी ताकि मामले में संबंधित सभी तथ्य सामने आ सकें। इस मामले में और भी लोग दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ भी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर इस मामले से संबंधित कोई भी भ्रम न फैलाने की बात कहते हुए पुलिस द्वारा उचित कार्यवाही किए जाने का आश्वासन भी दिया। आपको बता दें कि झंडुता क्षेत्र में विस्फोटक पदार्थ खाने के चलते गाय का स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा इलाज किया गया है, जिसके बाद गाय की हालत सामान्य है और उसका बछड़ा भी सुरक्षित है। थाना झंडुता के अंतर्गत जो है वो गाय को घायल करने के मामले में जो FIR पहले अंडर सेक्शन जो है वो 286/429 IPC और सेक्शन 11 जो है वो क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट में दर्ज हुई थी, उसमें ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो है वो धारा 3 एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट भी जो है वो ऐड करी गई है और अभियुक्त को जो है वो पिछले कल 6 जून को जो है वो अरेस्ट कर दिया गया है, जिसे जो है वो आज जो है वो न्यायालय में पेश किया गया। तो न्यायालय ने अभियुक्त का जो है पुलिस रिमांड जो है वो 3 दिन का दिनांक 9 जून तक जो है वो पुलिस को दे दिया है। रिमांड की अवधि में जो है वो अभियुक्त से जो है वो पुलिस कड़ी पूछताछ करेगी और सारे तथ्यों को और इसमें क्या फैक्ट्स हैं उनको सामने लाया जाएगा कि उसका क्या प्रयोजन था अभियुक्त का और इसमें कोई और किसी की स्लिप है तो उसको भी हम देखेंगे। तो आम जनता से ये आग्रह है कि सोशल मीडिया में जो है वो किसी भड़कावे में ना आए, क्योंकि कई तरह की पोस्ट जो है वो कई डालते हैं जिसमें धार्मिक भावनाएं जो है वो उनको जो है वो उछाला जाता है और अपना जो है वो यहाँ सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखें।